तो मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो। दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक इमेज नज़र आई आ रही होगी जिसमें एक गोल्डन बोट है जो एक नदी में चल रही है। इसके दोनों साइड माउंटेन है और कुछ माउंटेन पे एनिमल्स भी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक एआई जनरेटेड इमेज है और इस तरह की इमेज हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में हम तैयार करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में कोई भी आर्टिफिशियल इमेज हम कैसे तैयार करेंगे, इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर लें, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों आप सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद यहां पे लिखें माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर लिखते ही आपके सामने ये इस वेबसाइट ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर की। आप इसको ओपन कर लें। यहाँ ओपन करने के बाद आपके सामने जो सर्च बटन आएगा यहाँ पे होता है सबसे ऊपर सजेस्ट इमेज। यहाँ आप यहाँ पे जब सजेस्ट इमेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने वो स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आप कुछ भी लिखकर आपकी मनचाही इमेज क्रिएट करवा सकते हो। मैं आपको दो या तीन इमेज क्रिएट करके बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आता है कि आपके इसके लिए किस साइज़ की इमेज चाहते हैं, स्क्वायर इमेज चाहते हैं, आप पोर्ट्रेट इमेज चाहते हैं या वाइड इमेज चाहते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे स्क्वायर इमेज होती है, यदि रील्स की हमारी पोर्ट्रेट होती है और हमें वाइड इमेज चाहिए हो तो वाइड इमेज भी हम तैयार करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्वायर इमेज, उसके बाद एक पोर्ट्रेट इमेज और उसके बाद एक वाइड इमेज तैयार करके बताऊँगा इसमें। तो ये देखिए मैं स्क्वायर इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर यहाँ पे मुझे जो भी इमेज चाहिए उसके बारे में एक डिटेल दूंगा। तो इस डिटेल में अभी मैंने जो आपको इमेज बताई है उसकी डिटेल तो ये थी कि एक गोल्डन बोट हो जो कि एक नदी में चल रही हो जिसके दोनों तरफ माउंटेन हो और कुछ माउंटेन पे एनिमल्स हों। अभी मैं आपको इसमें तैयार करके बताता हूँ। ए सिल्वर बिल्डिंग इन ए रिवर बोथ साइड माउंटेन विथ ग्रीन ट्री नाइट व्यू ए टाइगर क्लाइंब अप ए रॉक। देखिए मैंने ये लिखा है ए सिल्वर बिल्डिंग इन ए रिवर, एक नदी में बिल्डिंग हो सिल्वर कलर की और बहुत दोनों साइड माउंटेन हो, ग्रीन ट्री हो, नाइट व्यू हो और एक टाइगर चढ़ा हुआ ऑन ए रॉक। अब ये देखिए मैं इसको जनरेट कर देता हूँ। ये हमारी स्क्वायर इमेज थी, ये स्क्वायर इमेज हमारी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दो मिनट जनरेट होने में। ये देखिए दोस्तों ये हमारी इमेज जनरेट हो गई है। मैं आपको ये देखिए बता देता हूँ, ये देखिए अब हमारी पहले इमेज है। ये देखिए मैंने कहा था एक नदी के अंदर एक बिल्डिंग हो सिल्वर कलर की, नाइट व्यू हो, एक टाइगर रॉक पे चढ़ा हुआ हो। तो ये देखिए ये, यानी अब आपको इसमें से जो भी इमेज पसंद आ रही हो, ये देखिए मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहो तो दोस्तों यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन इमेज ये बनी है, ये देखिए कितनी प्यारी इमेज ये बनी है कि एक सन नदी का व्यू है, चारों तरफ पहाड़ है और ये एक बीच में एक ग्रीन बिल्डिंग, एक मैंने जो बिल्डिंग की कही उन्होंने कितने बेहतरीन बिल्डिंग तैयार की है और यहाँ पे एक रॉक चट्टान है जहाँ पे एक टाइगर है। ये देखिए तो कितना प्यारा ये स्क्वायर इमेज बनाई है। अब मैं आपको इसी के अंदर एक पोर्ट्रेट इमेज भी बना के बताता हूँ। ये देखिए
मैं आपको इसमें एक पोर्ट्रेट इमेज भी, ये पोर्ट्रेट इमेज है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए स्वॉर्ड फाइटर वुमेन इन एंटिक इन वॉरियर क्लोथ ऑन ए हॉर्स इन ए फॉरेस्ट लॉन्ग ग्रीन लॉन्ग ग्रीन ट्री आर इन फॉरेस्ट एंड सम वाटर ऑन लैंड। ये देखिए मैंने वैसे लिखा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है फिर भी, ए स्वॉर्ड फाइटर वुमेन इन वॉरियर क्लोथ ऑन ए हॉर्स इन ए फॉरेस्ट लॉन्ग ग्रीन ट्री आर इन फॉरेस्ट एंड सम वाटर ऑन लैंड। अब देखते हैं इसमें ये क्या कौन सी इमेज, ये यानी एक फाइटर वुमेन हो, एक फाइटर वुमेन हो जो घोड़े पे बैठी हुई हो और जो जंगल से जा रही हो, इस तरह की मैंने इमेज करने की सोची है। देखिए दोस्तों इसने ये चार इमेज हमारे लिए तैयार करके दी है कि एक फ़ाइटर वुमेन है जो कि जंगल से जा रही हो, लंबे लंबे पेड़ हो और लैंड के ऊपर भी कुछ पानी हो। तो आप ये देखिए हमें कौन सी ज़्यादा बेहतरीन लगती है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये स्टैंडिंग इमेज है जो कि हमने चुनी थी, ये देखिए ये मुझे जो सबसे बेहतर लग रही है ये लग रही है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर ली। अब मैं आपको एक लैंडस्केप भी इमेज तैयार करके बताता हूँ। ये देखिए मैंने वाइड इमेज भी, मैं आपको यहाँ पे एक मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अब आपको सबसे पहले अपने माइंड में रखना होगा कि आप क्या तैयार करवाना चाहते हैं। तो मैं एक अभी एक फाइटर प्लेन या कुछ ऐसा ए फ्यूचर फाइटर प्लेन कर लेते हैं। ए फ्यूचर रेसिंग कार इन्हें मिडन सिटी नाइट व्यू विथ क्राउड सी दिस कार फीचर्ड। देखिए मैंने लिखा ए फ्यूचर रेसिंग कार इन मिडन सिटी और नाइट व्यू, क्राउड उस कार को देख रही हो तो हम जनरेट करते हैं। ये देखिए देखिए दोस्तों इसने इमेज तैयार कर दी है। तो मैं आपको एक एक इमेज दिखा देता हूँ कौन सी हमें बेस्ट लगती है। एक ये फ्यूचर कार मिडन सिटी, ये भी है। ये देखिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगी है, जिसका कि हमने प्रॉम्प्ट दिया था कि फ्यूचर कार एक सिटी के बीच में हो जिससे कि क्राउड देख रहा हो। तो ये देखिए
ये देखिए ये और भी ज़्यादा बेहतरीन लगी है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया चीज़ है वो है इमेज, एआई इमेज जो जनरेट हो रही है वो आपके पास स्क्वायर भी मिल जाएगी आपको। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये हमारी वाइट वाइड इमेज चौड़ाई में एक इमेज है। देखिए एक फ्यूचर रियलिस्टिक कार है जो एआई के द्वारा बनाई गई है। अभी मैं अब आपको इसकी और हमारी जो स्टैंड जो पोर्ट्रेट इमेज थी, ये देखिए हमारी पोर्ट्रेट इमेज है, ये देखिए पोर्ट्रेट इमेज ने तैयार की है और ये फ्यूचर कार वाली हो गई। और एक हमारी ये जो सबसे पहली थी ये स्क्वायर इमेज, ये देखिए। तो हम बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में इमेज साइज के साथ कि वाइड पोर्ट्रेट या स्क्वायर इमेज एआई के द्वारा हम प्रॉम्प्ट लिख के तैयार करवा सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।